नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटो में। बीटीसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहर गया है, तो आप अल्ट कॉइंस में हरियाली देख ही रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको एक अलग चीज बताने वाला हूं, वो है क्रैकन एक्सचेंज पर 16 ऐसे टोकन हैं जो लिस्टिंग होने वाली है, तो उनमें आपका डॉक्स भी शामिल है और आपका नॉट भी शामिल है। और कौन कौन से ऐसे 14 टोकन है जो क्रैकन पर आ रहे हैं, तो इन सारे टोकन पर देखिए कहीं ना कहीं आपको हरियाली जरूर देखने पड़ेगी। और सारे के सारे मीम कॉइंस हैं, आप यहां देख ले, या तो वो प्रोजेक्ट हैं जो माइनिंग से निकले हैं, या वो प्रोजेक्ट हैं जो आपके कहीं ना कहीं अभी मीम कॉइन्स में इन्होंने उछाल मारी है अच्छी खासी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए वो वाला जो सीन कहते हैं ना कि बुल रन वाला सीन, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है सभी इन टोकन में। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे सभी पर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। थोड़ा सा मार्केट, पहले मार्केट में बीटीसी आपका 98,800-900 के आसपास चल रहा है। दोपहर में भी यही सीन था जो मैंने आपको अभी बताया। और फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो है 88 और 90 के बीच में है, और डोमिनेंस जो है ना वही है मैंने जो आपका 61 तक पहुंच गया था बीटीसी का, वो 58 के आसपास घूम रहा है। तो यही चीज है कि बीटीसी में जो पैसा अभी आना थोड़ा सा रुक गया, या थोड़ा लोगों ने प्रॉफिट लिया, तो वही आपके नीचे को लहर जा रही है, यानी कि जो ग्रीनरी है वो पास हो रही है, बस ये मान लीजिए। मार्केट कैप आपका 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये तो है मार्केट का पूरा हाल, जो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साहब, बीटीसी अब एक झटके में, जिस दिन भी, कुछ घंटों में भी हो सकता है, एक आध दिन भी लग सकता है, जिस भी अब एक जो भी एक झटका लगेगा उसमें 100 के आपका क्रॉस हो जाएगा। तो एक वो साइकोलॉजिकली जो एक फोमो 100 के 100 के, वो भी सबका मुराद, वो ये कहेंगे कि मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तो ये है बीटीसी का हाल और मार्केट। तो अपनी ग्रीनरी का एंजॉय कीजिए, मैं तो यही कहूंगा, जिसके पास फंड ज्यादा नहीं है, जो होल्ड के बेस पर ही कमाना चाहते हैं, तो भाई होल्ड रखें, क्योंकि प्रॉफिट आपको लेना फिर ठीक नहीं है, क्योंकि फंड ही आपके पास ज्यादा नहीं है, तो इसलिए खामखा आप कहीं फंस जाए तो ठीक नहीं है, तो आप अपना होल्ड रखें। अब आते हम उन टोकन की लिस्ट पर जो क्रैकन एक्सचेंज लिस्ट करने वाला है। तो यहां देखिए, अगर आप थोड़े से भी अपडेट होंगे तो यहां पर आपको एक लिस्ट दिखा दी थी, तो इसमें 16 टोकन ऐसे हैं जो मैंने कहा ना, या तो माइनिंग से निकले हुए हैं, या रिसेंटली मीम कैटेगरी में आए हैं। लेकिन क्या हुआ, इनको एक अच्छा वॉल्यूम मिल गया, एक अच्छा इनको यूजर बेस मिल गया। तो आजकल एक्सचेंजों का क्या है, और फिर इसमें मोस्टली बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बाइनेंस ऑलरेडी लिस्ट कर चुका है। एक क्रैकन, कॉइनबेस, ये दो एक्सचेंज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बाद में टोकन्स को लिस्ट करते हैं। एक आपका रॉबिनहुड भी एक्सचेंज ऐसा है जो बहुत जल्दीबाजी नहीं करता प्रोजेक्ट को लिस्ट करने में, लेकिन अब सब करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि भाई अब मोस्टली जो अच्छे प्रोजेक्ट वो सारे लिस्ट हैं, अब कहां से लाएंगे, प्रोजेक्ट तो वही है ना जो अब आ रहे हैं, और इसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, और वो भी ये जो वॉल्यूम लेके आ रहे हैं यूजर बेस भी लेके आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये अब लिस्टिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो मे भी हो सकता है आपके पास कोई और मीम कॉइन हो, वो भी कभी ना कभी किसी लिस्ट में आ सकता है। तो फिलहाल जो लिस्ट है वो मैं आपको पहले बताता हूं। तो यहां पर आपका काव प्रोटोकॉल यानी कि काव, और आपका गोट यानी कि गेस्चर, और मागा ट्रंप जो है वो भी आपका इस पे आ रहा है, नॉट कॉइन, जैसे मैंने कहा ना नॉट कॉइन, और नॉट कॉइन की जैसे ये एक तरह से अनाउंसमेंट की लिस्ट सामने आई है, नॉट कॉइन आपका अप्रॉक्स 8% के आसपास चढ़ गया। तो अभी और चांस है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं इसमें किसी में भी। आपका RSR ठीक है, और आपका वाइनर चेन यानी कि वाइनरी, आपका डॉक्स जो आपका माइनिंग का प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों पास होल्ड होगा भी, मैंने भी होल्ड किया हुआ है, जबकि नॉट मेरे पास नहीं था, मैंने नॉट बाय किया है, जब भी ये डिप में आता रहा मैं इसको बाय करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था, अभी भी लगता है, लगता नहीं था अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं नॉट के पीछे ही तो ये सब आए हैं, जितने मीम कॉइन्स आए हैं, जो सॉरी माइनिंग से प्रोजेक्ट आए हैं, तो नॉट कॉइन तो एक दिन अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो इसलिए नॉट कॉइन मेरे पास खरीदा हुआ है, मेरे पास माइनिंग वाला नहीं, क्योंकि मैंने नॉट कॉइन को ज्वाइन नहीं किया। तो आप बताइएगा आपके पास नॉट कॉइन है या नहीं है, डॉक्स मैंने आपको बताई दिया है। अब आता है लिक्विटी यानी कि LQTY, मागा मूडेंग, ये मूडेंग अभी आपने देखा था काफी पॉपुलर हुआ और बाइनेंस पर भी लिस्ट हो गया। तो ये जो ये कहा ना, ये न्यू प्रोजेक्ट है, इनमें कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई यूज केस नहीं है, केवल क्या है इनके पास यूजर बेस है, और ये अच्छा खासा वॉल्यूम लेके आए, बस इनके पास इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओमनी ठीक है, और आपका SPX 6900 जो SPX के नाम से मशहूर था। अब FWOG लॉक इन, अभी भाई FWOG और लॉक इन ये मेरी नजर में नहीं है। नैरो ये तो एक अच्छा खासा आपने देखा, पंप आपको देखे गया। पीनट यानी PNUT जो रिसेंटली अभी बाइनेंस ने लिस्ट किया, और ACT जो था, ये दोनों एक साथ लिस्ट हुए थे, लेकिन क्रैकन ने ACT को अभी जो है लिस्ट
नहीं किया, मे भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में इसको भी लिस्ट कर दे। और आपका टोकन फाइव, टोकन फाइव किसका है? आपका फ्लोकी वाला। तो ये टोकन आपके हो गए कितने? 16। तो ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं अब लिस्टिंग की बात कंफर्म ही है इनकी, जब क्रैकन ने एक तरह से ये लिस्ट जारी की है। तो यहाँ भाई किस किस के पास इनमें से कौन कौन से टोकन हैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इन टोकन में थोड़ा सा नज़र भी रखें। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि एक्सचेंज लिस्टिंग की बात तो आती है और उसके साथ एक पंप भी अच्छा खासा आता है, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म होल्ड वाले तो लॉन्ग टर्म होल्ड रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉफिट के लिए ही आते हैं, इस न्यूज़ का लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ इस चीज़ का अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी लेवल अभी बता पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ तक, ये कहाँ तक वाला सीन ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी इम्पॉसिबल काम है कि बताना कि साहब ठीक है ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट ले लेगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी, अगर इसके पीछे मान लीजिए किसी और एक्सचेंज ने कोई घोषणा कर दी, अभी तो क्रैकन आया है, मे भी कोई और एक्सचेंज ऐसा ही आ जाए जो कि हम भी इस टोकन को लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करके ही आप कोई भी प्रॉफिट बुक करें। तो मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ पर अभी लेवल बता पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है, कि भाई ये 16 टोकन आपकी लिस्ट में हैं या नहीं है ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में जो है लगभग इसमें से 4 या 5 है जो मैंने रखे हुए हैं, और कुछ तो माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं अभी मेरे पास। तो ये है कुछ अभी क्रैकन का लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने है, जो कहीं कहीं ये प्रोजेक्ट आपको कुछ हिसाब किताब बना के दे सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपके पास होल्डिंग कितने। बाकी देखिए मार्केट में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है अभी, अब मैं ये कहूँगा ये 100x जाएगा, ये 500x जाएगा, ये 10x जाएगा, तो भाई देखो ये डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट का जो यूजर बेस है वो कितना एक्टिव है, वो कितना उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या कितना उसमें से निकालना चाहता है। फिलहाल भाई देखिए लंबी लंबी मैं नहीं फेंकता, इसलिए जो आपको मिलता है वो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट होना चाहिए, इस मार्केट में आपने इंतजार बहुत किया है। तो ये है कुछ अभी तक का लेटेस्ट अपडेट, और भी ऐसी कोई इंस्टेंट ऐसी कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर मिलेगी, इसलिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।